दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं एक बहुत प्रीमियम ब्रांड के बारे में, झंडू का केसरी जीवन। च्यवनप्राश के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, यह च्यवनप्राश की कैटेगरी में आता है, लेकिन एक नॉर्मल च्यवनप्राश से कुछ स्टेप आगे की यह चीज़ होती है जिसका निर्माण किया गया है स्पेशली रसायन गुणों की वृद्धि के लिए और बॉडी पर बढ़ती हुई उम्र के लक्षण जैसे स्टेमिना की कमी, बहुत जल्दी थकान का अनुभव होना इत्यादि को दूर रखने के लिए, अर्थात आपकी जो एक यूथ वाली फीलिंग है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह झंडू का केसरी जीवन प्रयोग किया जाता है। फिलहाल की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि इसके मुख्य तत्व क्या हैं जिसके आधार पर यह एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम ब्रांड बन जाता है, क्या इसकी सेवन विधि है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इसकी प्राइसिंग आदि से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ झंडू के केसरी जीवन के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक डिब्बा रखा हुआ है झंडू का केसरी जीवन, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। तो यह ब्रांड है जो मिलाया, जिसके बनाने के दौरान इसके अंदर मुक्ता शुक्ति भस्म मिलाई जाती है और मोती की पिष्टी मिलाई जाती है, ये इसकी मेन यूएसपी है। उसके अलावा बात करें यदि इस झंडू केसरी जीवन के प्रॉपर फॉर्मूलेशन के बारे में, तो इसके मुख्य तत्व जो आते हैं वो आंवला आता है, लगभग 50% इसके अंदर आंवला मिलाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर लौंग मिलाई जाती है, त्रिकटू के घटक द्रव्य पिपली सुंठी मरीच इसके अंदर मिलाए जाते हैं, अश्वगंधा इसके अंदर मिलाया गया है, गोक्षुर इसके अंदर मिलाया गया है, उसके अलावा शतावरी का यूज इसको बनाने के लिए किया गया है, केसर इसके अंदर मिलाई गई है, अभ्रक भस्म इसके अंदर मिलाई गई है, यशद भस्म इसके अंदर मिलाई गई है। मुक्ता शुक्ति भस्म और मोती पिष्टी के बारे में मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। उसके अलावा गोदंती भस्म भी इसके अंदर मिलाई गई है और क्लैरिफाइड बटर अर्थात घी का भी इसमें यूज़ किया गया है, हर 100 ग्राम में 3 ग्राम घी इसके अंदर मिलाया गया है। उसके उन सब के बाद में इसमें जो लास्ट में दो चीज़ें इंडिकेट की गई हैं, एक तो शर्करा मिलाई गई है क्वांटिटी सफिशियंट, उसके बारे में उसकी जो डोजिंग है वो उन्होंने प्रॉपर खोलकर नहीं लिखी है, और एक चीज़ इसमें मिलाई गई है पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट। तो यह रही इसके फॉर्मूलेशन की बात। कुल मिलाकर के फॉर्मूलेशन काफ़ी रिच है, कम हर्ब्स हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके कारण आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में उनका जो है डोजिंग मिलती है, उनका फ़ायदा आपकी बॉडी को मिलता है। तो यह तो रही इस झंडू केसरी जीवन की प्रॉपर फॉर्मूलेशन के बारे में बात। इस फॉर्मूलेशन के दम पर ये जो है क्लेम करते हैं झंडू वाले कि दिस इज़ एनरिच्ड रिवाइटलाइजर फॉर्मूलेशन, जो बॉडी की रिवाइटलिटी को बढ़ाता है, बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस झंडू केसरी जीवन की अपीयरेंस के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में, इसके टेक्सचर के बारे में। तो बात करें यदि इसकी अपीयरेंस के बारे में, तो यह च्यवनप्राश काफ़ी स्मूथ टच वाला है, दानेदार ग्रेन्यूलस पार्ट जो है वो इसमें से एब्सेंट होता है, इट मीन्स आंवले को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैश किया है, साथ ही जो दूसरी जड़ी बूटियां इन्होंने मिलाई हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से बारीक पाउडर बना करके तब उन्होंने इसको मिक्स किया है। बात करें यदि इस झंडू केसरी जीवन के टेस्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट वास्तव में बहुत यूनिक है। आमतौर पर च्यवनप्राश जो होता है उसका जो टेस्ट होता है लगभग सिमिलर होता है सभी च्यवनप्राश का, लेकिन इसका टेस्ट उन सबसे काफ़ी अलग है।
और इसको आप अनुभव कर सकते हैं खुद खाने के बाद में ही। मेन चीज़ जो इसकी मुझे लगी वो यह है कि मुंह में डालने के साथ ही यह अपने आप कुछ घुलने सा लगता है, और इसको आपको लंबे समय तक चबाना नहीं पड़ता है। बहुत जल्दी ही यह आपके सलाइवा के साथ में मिक्स होकर के डिजोल्व हो जाता है। आसानी से आप इसको जो है निगल सकते हैं, और काफ़ी एक रिफ्रेशिंग सा यम्मी सा टेस्ट यह मुंह में छोड़ते हुए जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो बात हुई इस झंडू केसरी जीवन के फॉर्मूलेशन के बाद में इसके टेस्ट और टेक्सचर की बात। बहुत ज़्यादा दानेदार यह नहीं है और टेस्ट इसका यूनिक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में। तो इसके बारे में इन्होंने पीछे एक चित्र बना रखा है, उसमें पांच की पॉइंट्स पर इन्होंने फोकस कर रखा है, जिसमें बोलते हैं हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ऐसा इसलिए कि इसमें अभ्रक मिलाई गई है, इसके अंदर अश्वगंधा मिलाया गया है, उसके कारण एड्स डाइजेशन आपके पाचन को इम्प्रूव करता है। चूंकि इसमें त्रिकटू के घटक द्रव्य मिलाए गए हैं, लौंग इसके अंदर मिलाई गई है और आंवला इसके अंदर होता ही है, तो ये सभी चीज़ें आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, और पाचन तंत्र से जुड़े हुए जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद में मेन जो इसका पार्ट है, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड बूस्ट एनर्जी। तो जो फॉर्मूलेशन है, आंवला है इसके अंदर और मुक्तासुक्ति भस्म है, मोती की पिष्टी है, तो ये सब चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। अभ्रक भस्म भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुणकारी माना जाता है। प्रोवाइड्स कैल्शियम एंड स्ट्रेंथ बोन्स, तो कैल्शियम की पूर्ति करता है। अश्वगंधा इसके अंदर मिलाया है, अभ्रक भस्म इसके अंदर है, यशद भस्म इसके अंदर है, तो कैल्शियम की आपूर्ति होती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और प्रोवाइड्स वाइटेलिटी अर्थात शरीर में जीवनी शक्ति का यह संचार करता है। बॉडी को रिवाइटलाइज्ड करता रहता है, दिन भर के काम की थकान के कारण शाम के समय आते आते शरीर टूटने लगता है, एनर्जी लॉस लगने लगती है, रात को सोने के बाद भी अगले दिन सुबह को रिफ्रेश फील नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस झंडू केसरी जीवन का आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी जब इसका एडवर्टाइज करती है तो इसको दिखाती है एल्डरली एज के लोगों को सेवन करते हुए, और मुझे याद है जब हम छोटे थे इसका एड आता था तो एक बुजुर्ग अंकल थे, उसको जो इसके एक मेन एक्टर थे इसके एडवर्टाइज के, तो उनको दिखाया था कि वो इसको खा करके और बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ करके अपने ऑफिस जाते थे। तो वो तो शायद हाइपर बोल रहा हो, लेकिन डेफिनेटली इसका सेवन करने से आपकी बॉडी में एनर्जी बूस्टअप होती है, और यदि इसके सेवन के साथ में आप अपने आहार विहार को भी सात्विक रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बेनिफिट मिलते हैं और बॉडी का एनर्जी लेवल आपका हाई होता है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी रही इस झंडू केसरी जीवन के बारे में। पॉजिटिव चीज़ें मुझे इसकी ये लगी कि फॉर्मूला काफ़ी लिमिटेड है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निगेटिव चीज़ मुझे इसकी ये लगी इसकी पैकिंग से जुड़ी हुई बात, के आमतौर पर च्यवनप्राश जो आते हैं आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में आते हैं, लेकिन यह 900 ग्राम की पैकिंग में है। भ्रमवश आदमी इसको 1 किलो का प्रोडक्ट समझकर भी खरीद लेता है, और इसकी प्राइसिंग के कारण काफ़ी फ़र्क पड़ता है 100 ग्राम च्यवनप्राश कम होने से भी। 900 ग्राम की जो यह पैकिंग है इसके ऊपर प्रिंट किया गया है 690 रुपये, और आपको अपने आसपास किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुकान पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने कभी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो या आपके घर में किसी ने यूज़ किया हो, कुछ फीडबैक इस प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहें तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कुछ सवाल आपके मन में हो इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन के साथ में अथवा किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।